गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अपने एक्सपर्ट गाइडेंस क्लासेस में, मैं नवनीत उपाध्याय है ना, आप लोगों के सामने मेंसुरेशन को डिस्कस कर रहा था। तो मेंसुरेशन में देखिए, हम लोगों ने जो अब तक स्टडी कर लिया है, तो हमने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, इन सब के कॉन्सेप्ट को समझा भी और उस पर प्रैक्टिस भी किया। अब हम लोग जो है स्फीयर की बात कर रहे थे, कल हमने आपको स्फीयर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया और उस पर एक दो क्वेश्चन भी हमने किया था। आइए आज हम हेमी स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार सिर्फ स्फीयर को हम लोग रिकॉल करेंगे, क्योंकि स्फीयर से ही आपका हेमी स्फीयर फॉर्म होता है ना। तो आइए सबसे पहले एक बार स्फीयर को रिकॉल करते हुए फिर हम हेमी स्फीयर के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमने कल देखा था स्फीयर, SPHERE, स्फीयर यानी कि गोला। ठीक, देखिए कुछ बातें अब आपको याद हो जानी चाहिए। जैसे देखिए, जब हमने एक आयत को इसके किसी एक्सेस के अलॉन्ग क्या कर दिया, पूरा रोटेट करा दिया, पूरा एक परिक्रमण पूरा कर लिया, तो हमारा क्या बन गया था, सिलेंडर, है ना। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनकर आया, जो फॉर्म हुआ, वो सिलेंडर बना। जब हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को ठीक इसके परपेंडिकुलर या बेस किसी एक के एक्सेस को हमने पूरा क्या किया, रोटेट करा दिया, तो हमारा जो बन करके आया वो क्या बन करके आ गया, कोन। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन करके आ गया। जब एक स्क्वायर को हम जो है उसके किसी एक एक्सेस के, है ना, तो इस तरीके से हमारी जो है डायग्राम बनते चले गए, है ना। तो वो भी एक बेलन बन करके आएगा, ठीक, सम सिलेंड्रिकल होगा। और कल हमने डिस्कस किया था आपको कि यदि हम एक अर्धवृत्त को, है ना, सेमी सर्किल को उसके डायमीटर के अलॉन्ग पूरा रोटेट कराएं, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन को यदि हम पूरा करते हैं, तो उससे हमारा जो स्ट्रक्चर बन करके आता है वो क्या बन करके आता है, गोला, है ना, जिसका रेडियस क्या होगा, जो इस सर्कल का, सेमी सर्कल का रेडियस होगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में, है ना, होनी चाहिए, जो हमने किया था आपसे। ठीक, देखिए मेन जो होगा, जितनी भी चीज़ों को आप सीखेंगे, जब हम एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में ऐड करेंगे, जैसे कोई टॉयज होगा, खिलौना होगा, है ना, उसका पार्ट, जैसे स्मॉल पार्ट जो मान लीजिए उसका जो बॉटम पार्ट है वो क्या है, आपका कोन के आकार का है, ऊपर क्या है आपका, हेमी स्फीयर है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो अगर ये सब कॉन्सेप्ट आप समझे रहेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ों को फाइंड आउट करने में आसानी होगी, है ना। तो आइए स्फीयर की बात करते हैं। तो कल हमने आपको बताया कि जो एक स्फीयर होता है वह एक अर्धवृत्त को उसके डायमीटर के अलोंग एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कराने के रिजल्ट में या परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। अब जैसे मान लीजिए, अगर आपको जो होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता कैसे है, क्या होता है ना, कल हमने बताया था आपको, ठीक, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका, गोले का, है ना। तो देखिए, जैसे एक मान लीजिए अगर आपका क्या है, गोला है, ठीक, जिसका रेडियस आर है, 3D आकृति होगी, है ना, 3D स्ट्रक्चर होगा आगे पीछे, है ना, कि जो क्रिकेट बॉल है आप उसको एज्यूम कर लेते हैं। अब उस क्रिकेट बॉल को आप किसी थ्रेड को ले लीजिए, धागा, है ना, उससे क्या करिए, राउंडिंग अप करिए, चारों तरफ इसके पूरा इसको कवर कर दीजिए, ठीक, जितने भी थ्रेड से कवर हुआ थ्रेड को यहाँ से कट कर लीजिए। अब उस थ्रेड को यहाँ से निकालिए और इसी रेडियस का आप एक सर्कल बना लें, वृत्त, है ना, और इस थ्रेड को जो आप यहाँ से ओपन करेंगे, इसको इससे फिल करना स्टार्ट करें, ठीक। आप देखेंगे इसका कुछ पार्ट धागे का इस सर्कल को क्या करेगा, फिल कर देगा, फिर बचा हुआ होगा, फिर एक सर्कल आप लें उसी रेडियस का, इसको फिल करें, तो देखिए जैसे जैसे फिल होता जाएगा यहाँ से कुछ पार्ट आपका ख़त्म होता जाएगा थ्रेड का, लेकिन अभी भी थ्रेड क्या होगा, आपका बचा हुआ होगा। कहने का मतलब ऐसा है कि ऐसा ऐसा जब आप चार सर्कल बना लेंगे टोटल, है ना, और इनको कंप्लीट आप पूरे धागे से क्या करेंगे, फिल कर देंगे, है ना, देन आपका ये पूरा थ्रेड क्या हो जाएगा, इसके ऊपर से समाप्त हो जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, ये निकल कर आता है कि जो एक स्फीयर होता है, एक गोला होता है, वह चार सर्कल के बराबर होता है, है ना, उसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वह चार सर्कल के बराबर होता है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो चार का क्या हो जाएगा, 4 × πr² यानी 4 πr²
है ना। ये संपूर्ण पृष्ठ हो या वक्र पृष्ठ हो, गोले के लिए दोनों क्या होते हैं आपके, सेम होते हैं। कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी, ठीक है, क्योंकि जो गोला होता है उसका सिर्फ एक ही पृष्ठ होता है जो कर्व होता है ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr². लेकिन अब हम बात करते हैं अर्धगोला है ना, हेमी स्फेयर SPHERE, अर्धगोला कैसे प्राप्त होगा। ये जो आपका गोला था इसको आपने क्या किया, बीच से कट कर दिया। आप किसी भी तरीके से किसी एक पॉइंट से कट कर सकते हैं इसको। कट करने के बाद ऐसा नहीं कि बीच से केवल यहीं से आप कट रहे, यहाँ से भी कट करके आप अलग कर सकते, कहीं से भी आप क्या करें कट कर दें। बस जो कट लाइन है वो इसके सेंटर से पास होनी चाहिए, है ना। जो कट लाइन हो कहाँ से पास होनी चाहिए, इसके सेंटर से, इसके केंद्र से पास होना चाहिए। तो ये देखिए, जब आपने इसको कट कर दिया तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। क्योंकि ये 3D है तो यहाँ पर भी आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका अर्धगोला। अब यदि हम इस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ की बात करें तो इसमें देखिए दो पृष्ठ आपको बने। एक तो देखिए क्या हुआ है, आपका समतल पृष्ठ आ गया और एक आपका ये वक्र पृष्ठ आ गया। यदि हम वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यदि हम अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें, ये रेडियस यदि इसका क्या हो, इस स्फीयर का स्मॉल r, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, गोले के जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था उसका हाफ हो जाएगा, 2πr², है ना, क्योंकि आधा पार्ट ही है वक्र पृष्ठ में, ये कंप्लीट पार्ट था, है ना, 4πr² था जब हमने इसका हाफ लिया, ये वाला पोर्शन, है ना। तो ये क्या हो गया आपका 2πr². यहाँ तक तो चीज़ें सही थी, है ना भाई, पूरे का 4 था तो आधे का 2πr². लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे TS से, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमी स्फेयर, है ना, संपूर्ण अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसे ही संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो ये जो समतल वाला आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसका भी एरिया आपको चाहिए और इसका, दोनों को आप ऐड करेंगे देन आपको क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। तो वक्र पृष्ठ का तो आप जानते हैं कितना है आपका, 2πr², लेकिन ये जो प्लेन है कैसा है, सर्कल के आकार का है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, यदि रेडियस आ रहा है तो πr², तो 2πr² प्लस πr², है ना। इस प्लेन का एरिया क्या हो जाएगा, πr² और इस कर्व्ड एरिया जो है, कर्व्ड सरफेस जो है, इसका एरिया क्या है, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था, 2πr². इन दोनों को बेटा ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा आपका, 3πr². ये होता है अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक देखिए डिफरेंस आ गया, है ना, ठीक। गोले में जो था आपका एक ही पृष्ठ था, जो कर्व पृष्ठ है वही संपूर्ण पृष्ठ है, लेकिन अर्धगोले में कर्व पृष्ठ अलग होता है, संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है। कर्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ 2πr² होता है, जो संपूर्ण पृष्ठ है आपका 3πr² होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लेंगे, फिर हम वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर और हेमिस्फीयर की बात करेंगे। आइए अब हम लोग जो है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं स्फीयर गोला, देन हम लोग बात करते हैं इसकी हेमी स्फीयर की। देखिए जब दोनों को आप तुलनात्मक रूप से स्टडी करेंगे तो चीज़ें आपकी और क्लियर होंगी, क्योंकि गोले से ही अर्धगोला बनेगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि अर्धगोले से ही गोला बनेगा, है ना, ठीक। एक गोले को विभाजित करके दो अर्धगोला, दो अर्धगोलों को मिला करके एक गोला। आइए एज्यूम दैट ये आपका गोला और ये इसका रेडियस r। तो अभी कल हमने देखा था इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, आयतन 4/3πr³, है ना। देखिए ये आता कैसे 4/3πr³, यदि हम इसको पूरी तरह से कवर करें इस गोले को, ये इसको टच करता हुआ होगा तो ये कुछ एक बेलन की आकृति में बनेगा,
क्योंकि थ्री डी है तो पीछे से भी कवर करते हुए एक बेलन की आकृति बनेगी, है ना। और इस बेलन का भी देखिए रेडियस क्या होगा, इस गोले के रेडियस के इक्वल ही होगा, ठीक। बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, 2r, है ना, क्योंकि ये भी रेडियस r, ए भी r, तो बेलन ऊंचाई क्या हो जाएगी, 2r। और आप जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इतना इतना पार्ट इसमें क्या होगा, कैंसिल होगा, है ना। तो देखिए जो रिलेशन होता है इनका, वो होता है तीन गोले का आयतन, तीन गोले का आयतन बराबर दो बेलन का आयतन। रेडियस क्या होगा, दोनों सेम होगा, है ना, यदि त्रिज्या समान हो तो तीन गोले का आयतन जो होता है वह दो बेलन के आयतन के बराबर होता है। ये रिलेशन होता है बेलन के आयतन और गोले के आयतन में, ठीक। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन जब करना होता है उसके लिए यूज होता है, ये कैसे आए ये बताने का हम आपको प्रयास कर रहे थे। तो 4/3 πr³, ठीक, ये आपका हो गया गोले का आयतन। अब आइए हम बात करते हैं अर्धगोले का, है ना। तो इसी गोले को डिवाइड करके या काट करके आपका क्या है, अर्धगोला बनाया गया होगा, ठीक। चलिए इस बार हमने इसको वर्टिकली बाइसेक्ट कर दिया, तो ये देखिए कुछ इस तरीके का शेप आपका बनेगा, है ना। अब यदि इसका ये आपका क्या है, रेडियस आर, तो इसका जो अर्धगोले का आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका हाफ, यानी कि वॉल्यूम आयतन इक्वल टू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई 2, है ना, उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4/3 πr³ इंटू 1/2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2/3 πr³, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अर्धगोले का आयतन। तो अब देखिए गोले के कॉन्सेप्ट की यदि बात की जाए तो हमने गोला भी समझ लिया और अर्धगोला भी समझ लिया, स्फीयर को भी हमने डिस्कस कर लिया और हेमी स्फीयर को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया दोनों का, चूंकि स्फीयर में तो CSA ही होता है, CSA TSA सेम होते हैं, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। और अर्धगोले का भी TSA और CSA हमने देख लिया, दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। TSA यानी टोटल सर्फेस एरिया की यदि हम बात करें तो 3πr² आपका होता है, और कर्व सर्फेस एरिया की बात करें अर्धगोले के लिए तो 2πr² होता है। यहाँ पे यदि हम गोले में TSA या CSA की बात करें, दोनों क्या होते हैं बेटा आपके, सेम होते हैं, और वो क्या होता है आपका, 4πr². तो ये दो मेन फार्मूले हैं जो आपको याद भी रखना पड़ेगा और थोड़ा सा चीज़ों को समझना भी पड़ेगा कैसे वो फॉर्म होता है, है ना। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तो हमारा जितना भी सेक्शन था, जो एक बेस स्ट्रक्चर था, वो कंप्लीट हो गया। एक कॉन्सेप्ट है हॉलो स्फीयर की, कहीं कहीं आता है खोखले गोले की, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। आज इस पर एक क्वेश्चन करते हैं अर्धगोले से रिलेटेड, ठीक। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो अपना अगला कॉन्सेप्ट होगा कि क्या क्या चीज़ें दूसरे से ऐड होती हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है आपका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई आपका एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, उसका आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में दिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, और यह भी इंडिकेट किया है पाई का मान आप क्या लेंगे, वैल्यू ऑफ द पाई 3.14 लेंगे। रेडियस ऑफ द हेमी स्फीयर आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर है। मैथ के क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आपको दे, कुछ आया ना, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए। यदि आपने उस टॉपिक को कभी भी पढ़ा होगा तो कुछ ना कुछ आपको लिंक दिमाग में जो है, अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, वो आपका जनरेट होगा। तो क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहले क्या करिए, नोट डाउन करिए, है ना। अब देखिए कई बार हम शॉर्टकट में लगा देते हैं, लेकिन जो बोर्ड स्टूडेंट हैं, बोर्ड का जिनको पेपर देना है, वो एक एक चीज़ों को प्रॉपर वे में लिखेंगे, जैसे मैं खुद यहाँ पे नोट करता हूँ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अर्धगोले को बनाते हैं। तो चलिए एक अर्धगोला बनाते हैं यहाँ पे, ये होगा इसका रेडियस आर इक्वल टू 10। अब देखिए इस अर्धगोले में दो पृष्ठ हैं आपके, है ना। एक पृष्ठ आपका देखिए जो है समतल में प्लेन, जो सर्कल के आकार का है, है ना, और दूसरा पृष्ठ आपका ये है जो कर्व के आकार का है, ठीक। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उसको आप नोट कर लेंगे,
अर्ध गोले की त्रिज्या आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपको गिवन है। अब आइए देखते हैं अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो या तो डायरेक्ट फार्मूला आप रख दीजिए, है ना, या फिर आप इसको लिख सकते हैं अर्धगोले का कुल पृष्ठफल क्या हो जाएगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब आइए देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, तो 2πr² है ना, 2πr² और आधार भी क्या है, चूंकि एक वृत्त है तो वृत्त क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr². अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, या 3πr² हो जाएगा इसको ऐड करके। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 3π की वैल्यू क्या है, 3.14 और r² 10 सेंटीमीटर, r की वैल्यू है तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3 3 9 और 14 3 42 है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 942, चूँकि दो स्थान में दशमलव आएगा लेकिन 100 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए, एक है ना छोटा सा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना होगा, है ना। ये दो अलग अलग इसके पृष्ठ हैं। ठीक, ये देखिए वक्र पृष्ठ कर्व और ये आपका आधार या समतल पृष्ठ जो है, जो कैसे आकार में है, वृत्त के आकार में है। ठीक, तो इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, है ना, एक ही में तीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, डायमीटर ऑफ द स्फीयर आपको दिया हुआ है और सरफेस एरिया आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। तो तीन क्वेश्चन है, पहला जो आपका स्फीयर है उसका जो डायमीटर 14 सेंटीमीटर व्यास है ना, सेकेंड का 21 सेंटीमीटर और थर्ड का 3.5 मीटर। एक हम सॉल्व करते हैं, बाकी दो आपके लिए असाइनमेंट के रूप में रहेगा जिसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, है ना। आइए सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं, है ना। तो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले नोट करते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। गोले का क्या दिया है आपको बेटा, व्यास, गोले का व्यास डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्या हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। अब देखिए गोले की यहाँ से क्या निकाल लेंगे आप, त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है व्यास का, आधा, त्रिज्या इक्वल टू व्यास बटे दो, व्यास कितना आपका 14 सेंटीमीटर बाय 2, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला ड्रा कर लीजिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं कि एक गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका, 4πr², यहाँ लिख लेंगे 4πr², पाई की वैल्यू इसमें दी नहीं है तो क्या लेंगे हम लोग, 22/7, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एक बार और गुणा हो जाएगा, एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, बाकी इसको आप क्या करिए आपस में गुणा कर दीजिए, 88 का गुणा 7 में होगा, 7 8 56, 5 एंड 7 8 56 और 5 कितना जाएगा 61 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 1 सर। डायमीटर दिया तो आपको रेडियस फाइंड आउट करना होगा, है ना। इसी तरीके से इन दोनों क्वेश्चनों को आप करेंगे, ये भी सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, और आप आंसर को इसी नीचे यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स रहता है वहाँ पे आप रिप्लाई करेंगे, देखते हैं कौन कौन रिप्लाई कर रहे हैं, है ना। थैंक यू।